हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसकेएम पिक्चर्स पे। तो आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज सिनेमेटिक प्रीसेट बनाने वाला हूँ किसी भी पिक्चर में। तो आप अगर सच में ये भी सीखना चाहते हैं कि सिनेमेटिक प्रीसेट कैसे बनाया जाए, उसकी सेटिंग्स कैसे होती है, तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें मेरे दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो मैंने अपने पिक्चर को लाइटरूम पे ऐड कर लिया है जिसमें मुझे आज सिनेमेटिक प्रीसेट बनाना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे सेटिंग्स पे। बताइए लाइटरूम के भी सेटिंग्स हैं, हमारे पास ही नहीं है सिर्फ। तो सबसे पहले एक्सपोजर टूल पे हम चलते हैं। इसके एक्सपोजर को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, कॉन्ट्रास्ट को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, इसके हाईलाइट को मैं कम करूँगा क्योंकि फ़ोटो में मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड फ़ोटो लग रहा था बहुत ज़्यादा। इतना पे ठीक है, मैं इसको शेडो को बढ़ाऊंगा। इतना पे ठीक है, वाइट को भी मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। इतना पे ठीक है ये। अब मैं ब्लैक्स को कम करूंगा ताकि हमारा जो ब्लैक पार्ट है वो ज़्यादा अच्छे से दिखे। 39 माइनस, ठीक है। अब हम चलेंगे कलर टूल पे। कलर टूल पे मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा घटा रहा हूँ -4 पे। टिंट को मैं बढ़ाऊँगा एक बार सिर्फ 2। उसके बाद वाइब्रेंस को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, 13 पे ठीक है ये। सेचुरेशन को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि हमारा जो फेस का कलर है वो उभर गया अच्छा से दिखे वो। अब हम चलेंगे कलर टूल पर, रेड कलर ह्यू को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, सेचुरेशन को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, ल्यूमिनस को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ +18, इतना ठीक है। तो हम चलेंगे ऑरेंज पे। इसके ह्यू को मैंने बढ़ाया है, सेचुरेशन को मैं कम करूँगा -18, ठीक है। ल्यूमिनस को मैं प्लस करूँगा 21, इतना ठीक है। अब हम चलेंगे येलो पे। येलो के ह्यू को मैंने 2 पे रखा हुआ है, इसके सेचुरेशन को मैं पूरा माइनस कर दूंगा, ल्यूमिनस को मैं -12 पे रखूंगा, ठीक है, इतना ठीक है। अब चलते हैं ग्रीन कलर पे। ग्रीन कलर के ह्यू को मैं -2 पे रखूंगा, सेचुरेशन को भी मैं कम कर दूंगा। ध्यान रखें जब भी आप सिनेमेटिक प्रीसेट बना रहे हैं तो कुछ कलर्स, पहले 2 कलर्स को छोड़ के आपको लगभग लगभग सारे कलर के सेचुरेशन आपको कम करने पड़ेंगे। ल्यूमिनस को भी मैं यहाँ थोड़ा कम करूँगा, थोड़ा नहीं 48 कम से कम, 48 ठीक है, इतना पे ठीक लग रहा है ये। अब मैं चलूँगा स्काई ब्लू कलर पे। स्काई ब्लू के ह्यू को मैं बढ़ा दूँगा पूरा, सेचुरेशन को मैं घटा दूँगा यहाँ पे 82, इतना पे ठीक है। ल्यूमिनस को हम वैसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब हम चलेंगे ब्लू कलर पे। ब्लू कलर के ह्यू को मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ -50 के आसपास, -50 ही ठीक है, इतना। सेचुरेशन को मैं थोड़ा सा कम करूँगा, -4 पे रखूँगा ताकि ज़्यादा हमारा जो ब्लू कलर का जो है वो ब्लू कलर जो है हमारा जो शर्ट लग रहा है ब्लू कलर का वो ज़्यादा हाईलाइट मतलब सेचुरेटेड नहीं लगे। और इसके मैं ल्यूमिनस को ऐसे ही छोड़ दूँगा। और लास्ट के जो 2 कलर है उसका सेचुरेशन को मैं पूरा ही कम कर लूँगा, पूरा घटा लूँगा 90 या 100 के बीच पे दोनों कलर को। एसकेएम पिक्चर्स हो गया। तो अब हम चलते हैं हमारे कलर ग्रेडिंग टूल पे। तो सबसे पहले मैंने शेडो को लिया है। शेडो पे मैं यहाँ क्लिक करूँगा और शेडो को मैं थोड़ा सा ब्लू टोन देना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसे ब्लू पे लेके जाऊँगा, इतना ठीक है। अब मैं इसके सेचुरेशन को बढ़ा के देखूँगा कि कहाँ पे ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इतना पे ठीक है, 20 पे। सेटिंग्स आप देख लें, मैं वैसे प्रीसेट आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोटो में लगा सकते हैं। अब मैं चलूँगा मिड टोन पे। तो मिड टोन को मैं थोड़ा सा ग्रीन की तरफ रखूँगा, तो मैं यहाँ पे ग्रीन सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ,
इतना बढ़ा देता हूँ, अब मैं सेचुरेशन को बढ़ाऊँगा, देखूँगा कि कहाँ पे ये अच्छा लग रहा है। तो मुझे ये यहाँ पे ठीक लग रहा है, आपको आपके फ़ोटो के हिसाब से आप इसे एडजस्ट करें। तो मुझे ये 4 पे ठीक लग रहा है, थोड़ा सा एक बार बढ़ा लेते हैं 5 पे, इतना परफेक्ट है। अब हम चलेंगे हाईलाइट पे, हाईलाइट पे मैं क्लिक करूँगा। हाईलाइट मुझे थोड़ा सा ग्रीन येलो के बीच का टोन चाहिए, मैं इसे इतना पे रखूँगा। अब इसके सेचुरेशन को मैं बढ़ाऊँगा, देखूँगा कि कहाँ पे ये अच्छा लगता है। थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए मैं इसे कम करूँगा, 23 इतना पे ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चेंजिंग है फ़ोटो में, फ़ोटो का जो लुक है ओवरऑल लुक वो एकदम से चेंज हो गया है। इस फ़ोटो का जो मैंने फेस जो है इसको रिटच किया था स्नैपशीट के अंदर, अगर आपको वो सीखना है तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी सीख सकते हैं कि फेस स्मूथ कैसे किया जाए स्नैपशीट के अंदर। तो हमारा जो कलर ग्रेडिंग है वो कंप्लीट है, हम इसे यहाँ इसे यहाँ से ओके करते हैं, डन। अब हम चलेंगे विनियट टूल पे। इसके टेक्सचर को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, क्लियरिटी को भी मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, डिहाज को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। इसके विनियट को आप अपने फ़ोटो के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे इतना भी ठीक लग रहा है, -15 पे। विनियट देने से फ़ोटो में ओवरऑल लुक चेंज हो जाता है, आपके जो फ़ोटो के साइड का जो हाईलाइट है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है वो कम हो जाता है, तो आपका फ़ोटो जो है ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। मॉडल पे फोकस करते हैं जब लोग फ़ोटो को देखते हैं तब। अब चलते हैं हम शार्पनिंग टूल पे, तो मैं शार्पनेस को यहाँ पे बढ़ा ले रहा हूँ। और आपको क्या करना है, मास्किंग करना है इसका। तो मास्किंग करने से पहले ये जो आप यहाँ पे मास्किंग का एक गोल जैसा यहाँ सर्कल देख रहे हैं उस पे एक उंगली रखें और उसके बाद अपने दूसरे उंगली से आगे पीछे करें इस तरह करके, जहाँ पे आपको शार्पनेस चाहिए, जहाँ पे जैसे मुझे एक फ़ोटो के एजेस पे शार्प चाहिए, तो मैं एजेस को सर्च करूँगा कहाँ पे मेरा एजेस दिख रहा है। अभी यहाँ पे मुझे एजेस यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे दोनों उंगली को छोड़ दूँगा। अब देख सकते हैं कि मेरा जो फ़ोटो है एजेस पे बहुत ज़्यादा शार्प हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल पर नए तो, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप वॉचिंग।